वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास से टॉप 500 MCQ सॉल्व करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के हो चुके हैं, साइंस के हो चुके हैं, पॉलिटी के 500 क्वेश्चन, अर्थात आप अब देखेंगे 1500 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। हर सब्जेक्ट से लगभग 1000 प्रश्नों को हल कराया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली रात को 9 बजे एक क्लास आती है। जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो इन क्लासेस को लगातार देख रहे हैं। प्लेलिस्ट में मैंने क्लासेस ऐड कर दी हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप विजिट कीजिए चैनल पर, सारी क्लासेस आसानी से मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर आप RO री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, या इन क्वेश्चन की भी आपसे PDF पाना चाहते हैं, PDF नोट्स पाना चाहते हैं, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए सारी क्लासेज आपको दी जा रही हैं। फुल स्टडी मटेरियल में आपको नोट्स के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, इसके साथ में डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है। किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर भी पा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है, UPSC 2024 का कैलेंडर जारी हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ठीक ठाक समय दे दिया गया है। और कुछ बच्चे जो UPSC के द्वारा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप ऐप पर विजिट करेंगे तो रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ आपको 40 टेस्ट दिए जा रहे हैं लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के अनुसार। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों उसमें आप देखेंगे, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएँ, आप हर तरह के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाएंगे। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप इन नंबर्स पे जो नंबर दिए गए इन पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से देखेंगे जो युग्म दिए गए हैं इनमें से कौन से ऋग्वेदिक देवताओं के संबंध में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऋग्वेदिक गॉड्स। ऑप्शन ए है वरुण, इन्हें जल के देवता कहा गया। ऑप्शन बी है इंद्र, युद्ध के देवता। ऑप्शन सी है सोम, मदिरा के देवता। और ऑप्शन डी है अग्नि, भगवान और लोगों के बीच मध्यस्थ। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट दिया गया है पेयर वो बताना है। इसका करेक्ट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, सोम मदिरा के देवता दिया गया है, जबकि इन्हें आप वनस्पति के देवता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सी राइट है। 22वां प्रश्न है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में होने का साक्ष्य किससे मिला है। ऑप्शन ए है जस्टिन के विवरण से, ऑप्शन बी एरियन के विवरण में, ऑप्शन सी मेगस्थिनीस के विवरण से, या फिर ऑप्शन डी स्ट्रैबो के विवरण से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेगस्थिनीस के विवरण में दिया गया है कि भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिले में हुआ। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है सम्यक दृष्टि, ऑप्शन बी है सम्यक संकल्प, ऑप्शन सी है सम्यक आजीविका और ऑप्शन डी है सम्यक तृष्णा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सम्यक तृष्णा आष्टांगिक मार्ग से संबंधित नहीं है। 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा से जुड़ा है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद आत्मीय सभा। ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रानाडे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मीय सभा से जुड़े थे राजा राम मोहन राय। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसमें देखिए दुर्गेश नंदिनी है बंकिम चंद चटर्जी की, ऑप्शन बी है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रचना जवाहरलाल नेहरू की दी हुई है। रन्स एंड रुइंस दी हुई है सुनील गावस्कर की। ऑप्शन डी इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल की दी हुई है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया जवाहरलाल नेहरू की नहीं है, ये रफीक जकारिया की है। ठीक है, याद रखिएगा रफीक जकारिया ये इसके राइटर हैं। 26th क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त किसने कहा था। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने
और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने। 27th क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला और ऑप्शन डी है ज्योतिबा फुले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनश्याम दास बिरला इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, हरिजन सेवक संघ इसका नाम हो गया था, पहले इसका नाम था ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग। 28th क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है रवीन्द्रनाथ टैगोर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को अविवेकी या फिर निष्ठुर बर्बादी कहा था। 29th क्वेश्चन है, गांधी जी 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सेठ अब्दुल्ला, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है सेठ जमनालाल बजाज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे गांधी जी डरबन दक्षिण अफ्रीका 1893 में। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजाची रहे थे तथा वर्ष 1930 में जेल में भी गए थे? ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज, ऑप्शन बी है MR जयकर, ऑप्शन सी है BS श्रीनिवास शास्त्री और ऑप्शन डी है GD बिरला। इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन ए जमनालाल बजाज, ये लंबे समय तक AICC के खजाची रहे थे और 1930 में जेल भी गए थे। 31st क्वेश्चन है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है और कुतुब मीनार दिल्ली में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका निर्माण कराया था। 32nd क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा, सीरी का किला, हजार सितून, इनका निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है बलबन, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार सितून का निर्माण करवाया था। 33वां प्रश्न है, सल्तनत कालीन प्रमुख करों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है उस जो कि मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, ऑप्शन बी खराज गैर मुसलमानों पर भूमि कर लिया जाता था, ऑप्शन ए हके शर्ब सिंचाई कर था और ऑप्शन डी जकात ये एक तरह का हाउस टैक्स अर्थात गृह कर था। इनमें से एक है जो इनकरेक्ट दिया गया है और वो आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था ना कि हाउस टैक्स था, ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे सही दिए गए हैं। 34th क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है आरिज़े मुमालिक सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था, ऑप्शन बी है सद्र उस सुदूर दान विभाग का प्रमुख था, ऑप्शन सी है बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी था और ऑप्शन बी है दीवाने इस्तिहाक ये दास विभाग हुआ करता था। बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, एक गलत मैच करके दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दीवाने इस्तिहाक दास विभाग नहीं था, ये एक तरह का पेंशन विभाग था। कौन सा था विभाग? ये पेंशन विभाग था जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट है। 35th क्वेश्चन है, मुगल काल के संदर्भ में कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है वजीर जो कि प्रधानमंत्री होता था, राजस्व विभाग का ये प्रमुख था, ऑप्शन बी मीर बख्शी का जो पद था वो वन अधीक्षक के लिए था, ऑप्शन सी वाक्यानिवीस बोलते थे सूचना अधिकारी को और ऑप्शन डी है मीर बार जो पद था ये वन अधीक्षक था। इनमें से बताना है कौन सा एक सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर बख्शी का पद इसमें दिया गया है, ये वन अधीक्षक गलत हो जाएगा, ये सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था मीर बख्शी। इसका कार्य होता था सैनिक की भर्ती करता था, सैनिकों का हुलिया रखता था, ठीक है, सेना में अनुशासन, सैनिकों के लिए हथियार, इन्हीं सभी का प्रबंधन का कार्य करता था मीर बख्शी। ठीक है, जो वन अधीक्षक है वो मीरेवर या फिर मीर बार हुआ करता था, ऑप्शन डी सही है जो कि दिया गया है। ठीक है, तो बाकी सारे ऑप्शन देखेंगे सही मैच करके दिए गए हैं, ऑप्शन सी बी जो था मीर बख्शी वाला वो रॉन्ग था। 36th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है बाबरनामा बाबर द्वारा लिखी गई, ऑप्शन बी है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था,
ऑप्शन सी है अकबर नामा अबुल फजल ने लिखा, ऑप्शन डी है शाहजहां नामा तारा सिकोह ने लिखा। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, शाहजहां नामा दारा सिकोह ने नहीं लिखी, इनायत खान ने लिखी थी। 37th क्वेश्चन है, मुगल शासकों के मकबरे के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बाबर का मकबरा काबुल में है, ऑप्शन बी हुमायूं का दिल्ली में, ऑप्शन सी अकबर का औरंगाबाद और ऑप्शन डी जहांगीर का शाहदरा। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है, और इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी अकबर का है सिकंदराबाद, जो कि आगरा में पड़ता है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद जगह में है। और जो औरंगाबाद है ये है औरंगजेब का, ठीक है, मकबरा यहाँ पर औरंगजेब का है। 38th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कुछ आप देखेंगे एसोसिएशन दिए गए हैं और उनकी स्थापना वर्ष दिए गए हैं। पहला ब्रह्म समाज है, 1828 में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन बी प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में हुई। आर्य समाज की स्थापना 1875 में, और रामकृष्ण मिशन की स्थापना दी गई है 1893 में। इनमें से एक इनकरेक्ट है ये बताना है, और इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। 39th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ विद्रोह दिए गए हैं और उनके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं, जैसे कि पहला है संथाल विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं सिद्धू और कान्हू। बी है वहाबी विद्रोह, जिसका नेता था सैयद अहमद। ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह का मोतीलाल तेजावत दिया गया है, और ऑप्शन डी कूका विद्रोह का जो नेता था वो भगत जवाहरमल था। एक इनकरेक्ट है उसी को बताना है, और इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, मुंडा विद्रोह का जो नेता था वो बिरसा मुंडा था, ना कि मोतीलाल तेजावत। 40वां प्रश्न आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि पहली अवध किसान सभा दी गई है, इसकी स्थापना दी गई 1920 में। ऑप्शन बी बारदोली सत्याग्रह हुआ 1928 में। ऑप्शन सी तिभागा आंदोलन 1946 में हुआ, और ऑप्शन डी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1925 में दी गई है। अब बताना है इसमें कौन सा आपको करेक्ट दिया गया है, तो इसमें आप आंसर चूज करेंगे ऑप्शन डी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, ना कि 1925 में, ये याद रखना है। अब इसमें आपको याद ये भी रखना है कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो स्वामी सहजानंद ने की थी, याद रखिएगा। सचिव कौन थे इसके? एनजी रंगा थे। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जो हिस्ट्री वाली क्लासेस चल रही हैं उसमें आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। वो जीएस वाली क्लास जो भी करना चाहते हैं दोपहर 1 बजे आती है। इसके साथ में इस क्लास की आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, या अदर कोई कोर्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, फुल स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको 20% का तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।